नमस्कार दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा सातवीं की, हमारा अतीत भाग दो के नाम से जो आपकी बुक्स है उसमें हम लोग पहला चैप्टर हमारा देख चुके थे। आपका पहला चैप्टर था हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल देखी थी। इसमें बात करेंगे हम लोग नए राजा और उनके राज्य। याद रखिए, हर बार मैं यही बोलूंगा कि आप लोग इसे एक कहानी की तरह पढ़िए या फिर सुनिए, जो भी एनसीईआरटी बुक्स हैं। एक बार मैं तो कहता हूँ कि एक कहानी की तरह पढ़ लीजिए इन सभी बुक्स को, ठीक है? और दूसरी बार मुझे लगता है कि आप पढ़ेंगे आराम से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अधिकतर आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर पहली बार में ही हो जाएगा जब आप कहानी की तरह पढ़ेंगे। और धैर्य रखकर पढ़िए, लास्ट तक पढ़िए, क्योंकि एक बार में आपको समझ में नहीं आने वाला कि पूरा एक बार में घोल के पी जाओगे, तो बीच बीच में हड़बड़ाना मत, ठीक है? लास्ट तक सुनते रहना है आपको, तभी समझ में आएगा आपको। बीच बीच में आप हड़बड़ाओगे तो कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। दूसरा चैप्टर क्या है? नए राजा और उनके राज्य। सातवीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र एक में वो महाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के में सातवीं से बारहवीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। देखिए, जैसे आपके मुल्तान के अरब, चौहान, मंसूर के अरब, अनराटा, ये आपका राष्ट्रकूट हो गए, मालके, मानके, चेर, पांडव, पांड्यन, चोल, पूर्वी चालुक, कलिंग, पहाड़पुर, पाल, कामरूप, प्रयाग, बनारस, कुछ राज्य, कन्नौज, इंद्रप्रस्थ, ठीक है? याद रखना है, पहले वो महाद्वीप की बात इस समय होती है, तो आपका कुछ ये पाकिस्तान का पूरा हिस्सा, नेपाल, तिब्बत तक, और ये आपका इस तरह पूरा लगा हुआ था, वो महाद्वीप में आता था, ठीक? आगे बात करते हैं नए राजवंशों का उदय। सातवीं सदी आते आते वो महाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रयाग उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिर लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी, महामंडलेश्वर होता था, इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के अधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी कर देते। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे, राष्ट्रकूट, दक्कन के राष्ट्रकूट। आठवीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतीद्रोग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ शाब्दिक अर्थ मतलब इसका सोने का गर्भ, हिरण्यगर्भ का नामक एक अनुष्ठान किया। यह जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था, तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय ना होते हुए क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत प्राप्त कर लेगा। ये आपकी एलोरा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, गुफा 15 का भित्ति चित्र, जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया, यह राष्ट्रकूट काल की कृति है। पूछ लेता है कि जो एलोरा की गुफाएं हैं किसके काल की है? राष्ट्रकूट काल की। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम, मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिचंद ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। बात करते हैं राज्यों में प्रशासन की। इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजा धीराज राजाओं के राजा उपाधि तिरुभवन चक्रवर्ती
तीन भुवनों की का स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान व्यापारी ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। इन सभी राजाओं राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों पशुपालकों कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पाद का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था क्योंकि प्रांत प्राप्त करने वाले भूस्वामियों को होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था 400 कर। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के ये 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लिखित कर है बिट्टी, जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी कि जबरन श्रम और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकारी हासिल करने के लिए लगने वाला कर इत्यादि का भी उल्लेख है। ये संसाधन राजाओं की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे, साथ ही मंदिरों दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधनों में उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की सकल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों की भी से की जाती थी और प्रया वंशागत वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था, कई बार राजा के निकट संबंधी इन उहदों पर होते थे। बात करते हैं प्रशस्तियां और भूमि अनुदान के बारे में। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दतः सत्य नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए सूरवीर विजयी योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। बात करते हैं नांगभट्ट की उपलब्धियां। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया। आपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा है। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में इतिहार नरेश नांगभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया। आंध्र सेंदोसिन विदर्भ महाराष्ट्र का एक हिस्सा, कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया। उन्होंने बंगाल का हिस्सा, अनर्थ गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात वनवासी तुरुस्क तुरुक वत्स मत्स दोनों उत्तर भारत के राजाओं को पराजित किया। राजा लोग प्रया ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम पत्तों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। चित्त यह थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ तामपत्तों का एक संग्रह है, जिसमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। जिन कड़ियों में से ये पत्र जुड़े हैं उन पर राशि मोहर लगी है, जो यह बतलाने के लिए है कि यह एक प्रमाणिक दस्तावेज है। भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता था, यह चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। हमने मिट्टी की मेड़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियां लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर ये चीजें हैं, फलदार वृक्ष, पानी भूमि, बगीचे और फलोद्यान, पेड़ कुएं, खुली जगह, चारागाह, एक गांव, बावी, चबूतरे, नहरें, खाइयां, नदियां, दलदली जमीन, फौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते,
और गहरी झीलें। जिसे यह भूमि मिलती है वह इससे कई कर वसूली कर सकता है। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है। पानी के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता है। वह पक्की ईंटों से बने ऊपरी माल पर बड़े कमरे बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ और कांटेदार झाड़ियां लगवा सकता है, जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद ना हो। तटबंधों का निर्माण। 12वीं शताब्दी में एक बेहद संस्कृत काव्य भी रचा गया, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कलहण नामक रचनाकार द्वारा रचा गया। कलहण ने अपना वृतांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्ष दर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया है। विशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रूप दिखलाता है। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। बात करते हैं धन के लिए। आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेषता वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। क्योंकि इस लंबी चली लड़ाई में तीन पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इनकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। जैसा कि हमने देखा है कि शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब भी एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। आप अध्याय 5 में इसके बारे में और अधिक पढ़ेंगे। यही बात करते हैं सुल्तान। अरबी भाषा का शब्द है सुल्तान, आपका अरबी भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है शासक। शासक को सुल्तान कहते हैं अरबी भाषा में। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में से सबसे प्रसिद्ध है। उसने 997 से 1030 तक शासन किया। वो अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। इसका निशाना थे संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल है। महमूद जो धन उठा लिया गया उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक प्रभावशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था। उसने अल बिरुनी नामक विद्वान को इस महाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। अरबी में लिखी गई उनकी कृति किताब अल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल बिरुनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वान से परामर्श किया। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गहड़ वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चौहानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज द्वितीय। इसका समय काल रहा है 1168 से 1152 तक, जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को 1191 में तराइन के फर्स्ट युद्ध में हराया। लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध में दूसरे साल ही हुआ था 1952 में उसके हाथों हार गए। तराइन के फर्स्ट युद्ध में पृथ्वीराज द्वितीय जीत चुका था, तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी।
चोल राज नजदीक से एक नल है, दक्षिण भारत में इनका शासन था, चालुक विक्रमादित्य 4 के अंतर्गत आता था। इसमें एक कलिंग, दक्षिण का कलिंग काकतीय बेंगी चोल मदुरई पांडव, ये सब कुछ शहर हैं, कुछ आपके शासक वंश हैं। बात करते हैं ओरे ईओर से तंजावुर तक चोल वंश संताप में कैसे आया। कावेरी डेल्टा में मुट्टरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लम राजाओं के मातहत थे। ओरैयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टरियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा कर जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर और सुम्बसूदनी देवी का मंदिर बनवाया। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूप में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांडव और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजपितम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है 985 में राजा बना। कौन? राजपितम। और उसी ने इनमें से ज्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जलसेना भी बनाई थी। बात करते हैं भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तियां। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है। तो याद रखना है तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के मंदिर किसने बनवाए थे? राज और राजेंद्र प्रथम द्वारा। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उनके लिए काम करते थे। पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, ये आपका संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्दों में हम लोग कहें तो मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिरों के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमा बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार के सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती। ज्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई। ये है आपका गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर। छत जिस तरह से क्रमशः पतली होती गई है उस पर गौर करें। बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई हैं उन्हें भी देखें। बात करते हैं कृषि और सिंचाई। चोलों की कई उपलब्धियों में कृषि में हुए नए विकास के माध्यम से संभव हुई। मानचित्र 2 में देखा था। गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बट जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उलेचती हैं जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि विशेषता चावल की खेती के लिए आवश्यक आद्रता भी मुहैया कराता है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6वीं सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था, कुछ दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे। पानी को
खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में दो फसलें उगाई जाती थी। ये आपकी एक चोल कांस्य की प्रतिमा है। कितनी सावधानी के साथ इसे अलंकित किया गया है। चित्र पांच में आपको नवी शताब्दी तमिलनाडु का एक जल द्वार है। हौज से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था। इस पानी से खेत सींचे जाते थे। जलद्वार पारंपरिक रूप से एक लकड़ी या धातु बाधा है जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित और नदियों और नहरों में जल प्रवाह को संचालित करता था। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई गई थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। स्मरण रहे कि याद रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत है, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज्यादातर नए शासकों द्वारा साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई। साम्राज्य का प्रशासन। प्रशासन किस प्रकार संगठित था? किसानों की बस्तियां जो ओर कहलाती थी। किसानों की बस्तियां क्या कहलाती थी? ओर। सिंचित खेती के साथ साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांव के समूह को हम लोग नाडू कहा जाता था। इस समय ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई शासकीय कार्य करते थे। बेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मोबेंद वेलन, तीन राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान का अर यार विधान जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। भूमि के प्रकार। भूमि कितने प्रकार की थी? समय चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। बेलन बगाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, ब्रह्मादेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि कहलाती। साला भू किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि। देवदान त्रुनम डकनी या आपकी मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि थी। पल्ली चंदम भूमि जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि थी आपकी। हमने देखा है कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मादेव प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में। प्रत्येक ब्रह्मादेव की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्रयाग मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मिरुओ से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का साविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम ताल पत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे। मिट्टी के बर्तन में रखे दिए जाते और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। बात करते हैं अभिलेखों और लिखित सामग्री। उत्तर मेरू अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होना चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा हो
तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता है। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते में जमा नहीं कराए वह चुनाव नहीं लड़ सकता था। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना खासा मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इस राज्य में कैसा था। 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरिया पूर्णम से एक उद्धरण लिया गया। अड़नूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों से अंटा पड़ा पुलाया एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण बिल्लाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे। लोगों का एक छोटा सा पुरवा था जिसमें ओछे किस्म के पेशों में लगे खेतिहार मजदूर रहते थे। चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोपड़ियों के आहतों में छोटे मुर्गियों झुंडों में घूमते रहते थे। गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहने हुए थे छोटे पिल्लों को उठाए उछलते चल रहे थे। मारूद पेड़ों की छाया में मजदूरी दूरनी ने अपने बच्चों को चमड़े की चादर पर सुला दिया। आम के पेड़ भी थे जिनकी शाखाओं पर नगाड़े लटके हुए थे। नारियल के पेड़ों के नीचे जमीन में बने छोटे गड्ढों में छोटे सरों वाली कुतिया पिल्लों को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। लाल कलगी वाले मुर्गों ने पूँह फटने से पहले तगड़े पुलाया का बहुचन कुछ दिन के काम पर जाने की हाँक लगाते हुए भाग दी थी। धान कुटती लहरदार वालों वाली पुलाया स्त्रियों के गानों की आवाज रोना रोजाना कांजी वृक्ष की छाया में फैलती थी। तो ये था आपका उत्तर मेरू अभिलेख का कुछ उद्धरण, ठीक है, उसमें लिखा कुछ पक्ष। तांग वंश के युग का चीन, तांग वंश के युग का चीन। चीन में तांग राजवंश के तहत एक सामान्य साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक 7वीं से 10वीं सदी तक सत्ता में रहा। इसकी राजधानी सियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी जहां तुर्की ईरान भारतीय जापानी और कोरियाई आया करते थे जाया करते थे। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था। इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। अधिकारियों के चयन की यह व्यवस्था कुछ बदलाव के साथ 1911 तक कायम रही। भारतीय उपमहाद्वीप में विचलित व्यवसायों में से यह व्यवस्था किन मायनों में भिन्न थी। तो ये था आपका दूसरा चैप्टर। इसके लिए कुछ आपके लिए अभ्यास के लिए क्वेश्चन दिए गए, देख लेना, ठीक। पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम पर डाल दी थी। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा, सामंत देख लिया है, मंदिर देखा है, नाड़ू देखा है, सभा देखा है, ये क्या होती है देख लिया, ठीक है। अगले चैप्टर में हमारा तीसरा चैप्टर होगा दिल्ली के सुल्तान, क्या होगा, दिल्ली के सुल्तानों के बारे में बात करेंगे।